बस्तर के बोधघाट परियोजना को सरकार की ओर से निरस्त किए जाने पर अब बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता केदार कश्यप ने मामले में सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि सरकार ने परियोजना के नाम पर लोगों को भ्रम में रखकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। एक बड़े रकबे को इस प्रोजेक्ट के जरिए सिंचित किया जाना संभव नहीं है। बावजूद इसके सरकार ने बस्तर के लोगों को उनकी कृषि भूमि को सिंचित किए जाने का सपना दिखाया और सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। दरअसल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बस्तर दौरे पर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ाजी ग्राम की सभा में यह घोषणा की थी कि बस्तर के कई संगठन बोधघाट परियोजना के पक्ष में नहीं है और इसी वजह से इस परियोजना को निरस्त किया जा रहा है। इसके बाद से ही बीजेपी पूरे मामले पर सरकार पर वार कर रही है। बोधघाट परियोजना जो कि एक विद्युत परियोजना है और 1980 की रूपांकित योजना है, उसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सिंचाई परियोजना के नाम से एक भ्रामक प्रचार किया और उसके सर्वे के नाम पर उसका जिस तरीके से विज्ञापन, उसका जो होर्डिंग्स इत्यादि में खर्च करने के बाद करोड़ों रुपए, लगभग 50 करोड़ से ऊपर की राशि इसमें खर्च हो चुकी है और लोगों को शब्द साथ दिखाए गए, सपने दिखाए गए, केवल और केवल डीपीआर बनाने के नाम पर, सर्वे बनाने, सर्वे करने के नाम पर उन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। पेयजल के लिए पानी नहीं मिला, सिंचाई से आज पानी मिलेगा, तो जिस दिन आप लोग चाहेंगे उस दिन बोधघाट शुरू होगा, लेकिन उसके पहले नहीं। लेकिन हमने इंद्रावती के पानी यदि तेलंगाना वाले सिंचाई करे तो ठीक है, लेकिन बस्तर में सिंचाई नहीं होना चाहिए ऐसा लोग मानते हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है।